हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ डिफेंसिबिलिटी। मैं इससे पहले एक्सपेक्ट करूँगा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आपने रिवीजन नोट्स और ट्रिक्स वाला लेक्चर देख रखा हो, तभी आप इस लेक्चर को देखें। इसमें फिर हम सेम कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम लेंगे, कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम लेंगे और हमने जो ट्रिक्स डिस्कस करी हैं उन ट्रिक्स के बेसिस पे उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह ट्रिक्स वाला लेक्चर रिवाइज कर। तो ये वाला हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर था जिसमें हम डिफरेंसिबिलिटी का, तो पहली हमारी हेडिंग थी जब डिफरेंसिबिलिटी हमें अलग अलग पॉइंट कुछ फंक्शन दिया हो जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन कर रखा हो, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और अगर वो इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है और जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। दूसरा फिर हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक आपको ट्रिक थी कि जो भी मॉडुलस के अंदर फंक्शन है पूरा उसे ज़ीरो कर दो, जैसे ये वाला जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो कर दो तो ये एक्स इक्वल्स टू थ्री पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये वाला फंक्शन हम आप ऐसे ही बता सकते हैं कि माइनस वन पे जीरो पे वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये एक ट्रिक थी हमने जो वहाँ यूज़ करी थी। दूसरा था चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग थ्योरम, सेम जो थ्योरम हम कॉन्टीन्यूटी के लिए लिमिट के लिए पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह का सेम पैटर्न है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो उनका एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा या उनका सब्सट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। वो आपने नोट्स रिवीजन नोट्स वाले टॉपिक में वो हमने पूरी डिफाइन कर रखी है, वहाँ आपने पढ़ा होगा। लास्ट हमारा था डिफरेंशिएबिलिटी इफ़ फंक्शन इन्वॉल्विंग जी आई एफ। जी आई एफ आपको पता है कि कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है इंटीजर वैल्यू पर, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसके लिए कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी बाई डिफरेंशिएट एंड चेकिंग लिमिट्स। ये एक और मेथड है कि अगर ये एक इजी शॉर्टकट मेथड है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है और ये चेक करना है कि नहीं कहाँ नहीं है डिफरेंशिएबल, तो हम सिंपल उसको डिफरेंशिएट कर लें और डिफरेंशिएट करने के बाद ये फाइंड आउट कर लें कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम वो वाले पॉइंट निकाल लें तो हम कह देंगे कि उस वाले पॉइंट्स के लिए वो वाला फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सारी हमने ट्रिक्स देखी थी वहाँ पर। अब चलिए इन ट्रिक्स के बेसिस पे मैं आपको कुछ अच्छी प्रॉब्लम कराता हूँ जो इन ट्रिक्स को यूज़ करके हमने की हुई है, तो वो प्रॉब्लम मैं ट्रेडिशनल मेथड में नहीं जाऊँगा, वो प्रॉब्लम मैं आपको ऐसे ही सॉल्व कराऊँगा इन ट्रिक्स की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एंड एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू दी हुई है एंड एफ डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डबल डैश जीरो मतलब जीरो पर दोबारा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, हमें ये दिया हुआ है, देन ये आप पहले इसे खुद ट्राई कीजिए फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, डब्ल्यू वी जे ई में आया हुआ है, आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ है सिंपली आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ताकि हमें डिफरेंशिएशन करना है ताकि क्योंकि हमें लिमिट जो ऑप्शन है वो हमारी डिफरेंशिएशन में है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो अगर ऑप्शन में डिफरेंशिएशन है तो सिंपली इस फंक्शन को लिख के हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उस डिफरेंशिएशन को करते हुए हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन जीरो के क्योंकि हम अब जीरो लिखा है तो जीरो पे, तो पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया जी डैश जीरो जी का आ गया, फिर जी का जी डैश जीरो आ गया, इसी तरीके से फिर हमने एक्स को ऐसे लिखा एफ एफ डैश एक्स का किया एफ डबल डैश एक्स एक्स आ गया, एफ डैश एक्स ऐसे ही लिखा एक्स का किया वन आ गया, इसमें जीरो पुट कर दिया तो हमारा आ गया जी डैश ऑफ जीरो जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, अब ये वाली टर्म जीरो हो गई। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर इसकी डज नॉट एग्जिस्ट तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो वो हमारा जीरो ही हो जाएगा। तो लास्ट में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो दी हुई है वो वन दी हुई है, इस तरह से हमारा जी डैश ऑफ जीरो वन आ जाएगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कई लोग ये कर देते कि भाई ये जीरो एग्जिस्ट नहीं करती है तो जीरो इंटू जीरो तो जी डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, आपको जीरो इंटू समथिंग है वो एग्जिस्ट करने के पहले से ही जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो फिर वो एग्जिस्ट करने ना करने का कोई सवाल ही नहीं है जीरो से अगर वो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है ये बताने के लिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि मॉडुलस कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। पहले तो ये पूछा था ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ये, ठीक है ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ आपको दिख ही रहा है ऑफ एफ एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले आपको बताया हुआ है कंटिन्यूटी के लिए कि ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, अगर हमने अज्यूम कर लिया तो एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है आर में, जी एक्स कॉन्टीन्यूस आर में, तो उनका सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टीन्यूस होगा, और अगर उनका सब्सट्रैक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो इसका स्क्वायर भी कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि स्क्वायर सिंपली क्या है, उस चीज़ का मल्टीप्लीकेशन, दोबारा मल्टीप्लीकेशन, तो अगर वो ही कॉन्टीन्यूस है तो ये आर में कॉन्टीन्यूस होगा। दूसरी डिफ्रेंसीबिलिटी के लिए बहुत ईजी टेक्निक है हमारे पास, जो हमने डिस्कस की थी कि मॉड एक्स कहाँ पर डिफ्रेंसीबल नहीं होता है, मॉड एक्स जीरो पे, एक्स माइनस वन आपका कहाँ डिफरेंसिबल नहीं होगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखिए, एक्स इक्वल टू वन पे, तो डिफरेंसिबल फंक्शन नहीं होगा जीरो और वन पे, और कंटिन्यूस ये हर जगह होगा। तो आपने देखा कि सिंपली कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को ओरली टैकल कर लिया, बजाय कि ये लिखने के कि कहाँ क्या होगा, ये एच निकालो और वो एच निकालो और लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव निकालो और राइट हैंड। हालांकि उस मेथड को हम देख लेते हैं, ये वाला जो मेथड अगर मैं आपको डिस्कस करूँ एग्ज़ाम में जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करने, लेकिन ठीक है ये हम एक सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है वो उस चीज़ को देख लेते हैं। ये सिंपली इस तरह के फंक्शन को मैंने पहले भी डील किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको अलग अलग इंटरवल के अलग अलग लिख देते हैं, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए ये आया, जब लेस देन जीरो के लिए तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये वाली चीज़ भी हमारी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, फिर इसके लिए जीरो के लिए ये आया, फिर इसके लिए ये आया, अलग अलग इंटरवल में हमने अलग अलग वैल्यू निकली और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके इसका स्क्वायर कर दिया, सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो वन का हो जाएगा वो वन आ जाएगा, और जीरो से वन में जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही इंटरवल के। तो इस तरह से इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा एक्स लेस देन और ग्रेटर देन के लिए वन आ गया, फिर जीरो से वन के लिए ये वैल्यू आ गई, और इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आप फाइंड करें जीरो और वन के लिए तो हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे। उससे पहले अगर हम वन पे या जीरो पे कंटिन्यूसली चेक करें तो कंटिन्यूटी ये है, तो लास्ट में हमने लिख दिया कि वन पे और जीरो पे, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जाएंगे तो वो भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो और वन पे इक्वल नहीं आएंगे। तो इतना लंबा अभी आपने सोल्यूशन देखा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही, आपने पहले इस तरह के फंक्शन देखे हुए हैं हमारे कॉन्टिन्यूटी वाले लेक्चर में, और ये जीरो पर वैसे नहीं होता तो जीरो और वन पे नहीं होगा, तो सिंपली जब भी कोई क्वेश्चन आए आप सिंपली जीरो और वन टिक कर सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन ये इज डिफरेंशिएबल, आपको सेट ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो सिंपल ये तो ये वही है मॉडुलस वाला फंक्शन, मॉडुलस कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सिंपली एक्स इक्वल्स टू वन पर ई की ई टू दी पावर एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर एक डिफरेंशिएबल हो एक नहीं हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन वहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ एक डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये वाला फंक्शन हमारा वन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आर माइनस वन। दूसरा तरीका एक ये भी है इसका कि हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें, तो इसका मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जो अपॉन में एक्स माइनस वन आएगा वो इस फंक्शन को एग्जिस्ट ही नहीं करने देगा, तो सिंपली ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हालांकि हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, अब वन पे करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव या जीरो पकड़ेंगे ये वैसे पता चलेगा जहाँ पर ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता हो, जहाँ पर ये इसके रूट्स हो, तो उसका मेथड मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये जो हमारा लिखा हुआ है एक्स माइनस वन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन एंड इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो आप कोई ट्रेडिशनल मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसमें हमारे ट्रिक्स याद रखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और बहुत ईजिली आप क्वेश्चन सारे टैकल कर लोगे। चलिए इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट एफ एक्स वी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू, देन इसकी वैल्यू आपको पूछिए। अब ट्वाइस डिफरेंशिएबल हमें फंक्शन दे दिया, इसका मतलब ये है कि हम इसका दो बार तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये वैल्यू पूछिए, आप एक्स की जगह जीरो पुट करके देखो। लिमिट में हम क्या करते थे, सबसे पहले फंक्शन में हम एक्स की जगह जीरो पुट किया ये पता करने के लिए कि ये कौन सी फॉर्म का फंक्शन है, तो टू एफ ऑफ जीरो थ्री
एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, तो जैसे ही आपने आपने जीरो बाई जीरो फॉर्म देखी, आपने लिमिट वाले लेक्चर में आपने देखा ही होगा कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसे ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, सिंपली ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ये आया टू एफ डैस ऑफ एक्स माइनस सिक्स एफ डैस ऑफ टू एक्स प्लस फोर एफ डैस ऑफ फोर एक्स अपॉन टू एक्स यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। फिर इसके बाद अब जब हम इसमें जीरो रखेंगे, फिर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, तो हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, फिर इसका एफ डैस का डबल बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर अब जो दी हुई है एफ डबल डैस ऑफ जीरो पे 2 है वैल्यू इसकी, तो एफ डबल डैस ऑफ जीरो पे हम इसमें एक्स जीरो पुट कर देंगे और वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। अब हम इसे बस कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स की जगह जीरो रख देंगे, 3 इंटू एफ डबल डैस ऑफ जीरो 3 इंटू 2, आंसर आ गया 6। तो आंसर आ गया 6। ये देखिए डिफ्रेंसिबिलिटी में एक लिमिट का कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब डिफ्रेंसिबिलिटी आ गई तो आपको लिमिट नहीं पूछेंगे या कॉन्टीन्यूटी नहीं पूछेंगे या कुछ और नहीं पूछ, तो इसलिए कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लिमिट, कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी, ये तीनों टॉपिक कंबाइन होकर चलते हैं और मोस्टली एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। कॉन्टीन्यूटी वो आपको निकलवा लेगा, डिफ्रेंसिबिलिटी भी निकलवा लेगा और लिमिट भी उसके अंदर पूछ लेगा। अब लिमिट, क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूटी निकालेंगे या डिफ्रेंसिबिलिटी निकालेंगे तो लिमिट आपको ऑटोमेटिक निकालनी ही पड़ जाएगी उसकी। तो आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई एग्जाम में ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट, तो इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स जीरो है एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए। तो जैसे कि हमने पहले रिवीजन वाले लेक्चर में और ट्रिक्स वाले लेक्चर में आप कंटिन्यूटी वाले में हम बता चुके हैं कि एक्स साइन एक्स किस तरह से कॉन्टीन्यूस होता है। आप चाहें तो उसे दोबारा देख सकते हैं या ये ऐसे भी देख सकते हैं कि जीरो माइनस और जीरो पॉजिटिव के लिए ये जीरो ही आएगी और जीरो पे जीरो दी हुई है, तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ पर कॉन्टीन्यूस होगा। ये हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब लिमिट डेरिवेटिव के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये डिफ्रेंसिबल होगा या नहीं होगा। तो हमने ये बोल दिया कि तो डिफ्रेंसिबिलिटी के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स माइनस, अगर जीरो करना है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो एक्स माइनस जीरो, तो अगर जीरो पे करना है तो जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच एफ ऑफ माइनस जीरो और माइनस एच इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई से कर लेंगे, यहाँ पर एच से एच कट गया, साइन ऑफ वन अपॉन एच, साइन वन अपॉन जीरो की वैल्यू कुछ भी आएगी, पर जो साइन के अंदर कुछ भी एंगल हो तो साइन जो वैल्यू अपने रिटर्न करेगा वो माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू ऑसिलेट करती हुई रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो वन अपॉन एच इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो हमको ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कौन सी वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस वन से वन ऑसिलेट वो करेगा। अब माइनस वन से वन ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। क्यों भाई फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है माइनस वन से वन के बीच में, हमको ये फिक्स डेरिवेटिव नहीं दे सकते। फिक्स डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम इसकी कोई स्लोप फिक्स नहीं कर सकते। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैस ऑफ एक्स निकालते हैं वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वो चेक करता है। हम यहाँ से ऐसे भी इसे चेक करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें हम एक्स साइन वन बाई एक्स का, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स को ऐसे ही लिखा, साइन वन बाई एक्स का किया कॉस वन बाई एक्स, वन अपॉन एक्स का किया वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन वन बाई एक्स, एक्स लिख लिया एक्स का किया ये। तो आपने इस वाले पहले वाले टर्म में आपने देखा कि एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक्स तो कट गया लेकिन एक्स अपॉन वन बाई एक्स अभी भी जीरो है, अभी भी वन अपॉन एक्स है। तो जब भी टर्म में वन अपॉन एक्स होगा तो डिनोमिनेटर वहाँ पर जो फंक्शन होगा वो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, उसके डोमेन में नहीं होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब वो अगर डोमेन में एफ डैस एक्स के डोमेन में नहीं होगा तो एफ डैस एक्स जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब किस जीरो के लिए वो चीज़ डिफ्रेंसिबल नहीं होगी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि ये ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी करना हो तो सिंपली आप एफ डैस एक्स निकाल लीजिए और एफ डैस एक्स कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो चीज़ फाइंड कर लीजिए और वहाँ पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि लेकिन अगर आप
एफ डैश एक्स से अगर आपने फाइंड की तो आप कंटिन्यूटी के बारे में नहीं कह सकते कि कंटिन्यूटी जीरो जीरो पे होगा नहीं होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स तो हमारा एग्जिस्ट जीरो के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कंटिन्यूस है फंक्शन, तो वो एफ डैश एक्स केवल डिफ्रेंसिएशन के बारे में, डिफ्रेंसिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फंक्शन ये दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में डरावना। देन ऑन विच इंटरवल एफ डैश ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, आपसे पूछा हुआ है कि किस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा। चलिए पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये थोड़ी सी देखने में भयंकर लग रही है, थोड़े से एडवांस लेवल की प्रॉब्लम ले लेते हैं। एनसीईआरटी हॉर्ट्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो आपको ये पूछा है कि किस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, मेथड ये है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो और डिफरेंशिएशन से निकाल दो कि जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ वहाँ आपका वो चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं होगी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अब आता है वन अपॉन अंडर रूट एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स जो था वो वन अपॉन अंडर रूट एक्स। तो जहाँ पर भी अब अंडर रूट एक्स कौन सी वैल्यू, एक्स अगर अंडर रूट एक्स है तो एक्स कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, एक्स पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। लेकिन डिफरेंशिएशन में भी वो सेम केस ही है उसके साथ, डिफरेंशिएशन में भी अब वन अपॉन अंडर रूट एक्स हो गया तो जो डोमेन है वो उसमें से बस जीरो हट गया, बाकी वो अभी भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो चाहे हम एफ एक्स का निकाल लें स्क्वायर रूट के में या एफ डैश एक्स का निकाल लें, वो सेम ही होता है, बस एक्सेप्ट कि वो जीरो ना हो वहाँ पर। तो हम जो एफ डैश एक्स एफ एक्स है अंडर स्क्वायर रूट के केस में वो देख लें कि भाई जीरो नहीं है। तो चलिए सिंपली इसके निकाल लेते हैं। तो इसकी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसिबिलिटी के निकालने के लिए हम पहले फंक्शन में, जैसे हमने पढ़ा था कि इसका डोमेन कहाँ कौन, उसके डोमेन में कौन कौन से पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन वाले पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसको निकालने के लिए पहले तो आप करेंगे कि स्क्वायर रूट टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फिर एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस ग्रेटर देन जीरो, फिर ये वाला टर्म ग्रेटर देन जीरो, फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर का जो हमारा मेथड होता है वो डोमेन फाइंड करने का, उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी अंदर की चीज़ ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2x, x इसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इसके बाद हमने x माइनस टू स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस फोर के लिए निकाल लिया, इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करके जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वही है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 18 इज ग्रेटर देन जीरो, इसके हमने अंडर रूट्स निकाल के देख लिए। तो ये एफ एक्स इज डिफाइंड इज ग्रेटर देन टू, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल बट डिफरेंशिएबल इन द एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडियस ऑफ वेनिस 2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 के लिए फिर ये वाला जो पार्ट रह गया हमारा 2x माइनस 4 के लिए, इसके लिए हमने ग्रेटर देन जीरो कर लिया, और जहाँ पर ये जीरो होगा वहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वन अपॉन करके वो जब वन अपॉन आता है तो इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए टू और फोर हमें पॉइंट्स रिमूव करने पड़ेंगे। यहाँ से जो आया हमारा टू ग्रेटर देन जीरो के लिए आया, तो टू ग्रेटर देन जीरो के लिए पूरे पूरे और जहाँ पर ये जीरो है वहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आपको सेट ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंपल इसके लिए, तो अब ये मॉडुलस फंक्शन है, ये जीरो के लिए कुछ और वैल्यू देगा, नेगेटिव के लिए कुछ और वैल्यू देगा। तो सिंपली हमें इस फंक्शन की डेफिनेशन जीरो से पहले और जीरो के बाद डिफाइन करके इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर लेंगे। वो डिफरेंशिएबिलिटी जब हम जीरो से लेस होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर जीरो से पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर देगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्स ग्रेटर दीजन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपली हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन जीरो के लिए टू एक्स आएगा, लेस देन जीरो के लिए माइनस टू एक्स आएगा। तो आपने ये देखा कि माइनस टू एक्स एक्स तो आएगा, लेकिन क्या जीरो पर क्या आएगी? जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का टू एक्स आएगा, जीरो पर इसकी वैल्यू फिर जीरो आ जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू फिर जीरो आ जाएगी, और इस तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएंगे।
मतलब जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी वो जीरो पे ही चेंज हो रही थी, और इसीलिए हमने जीरो पर इसकी डिफ्रेंसीबिलिटी चेक कर ली, इसे डिफ्रेंशिएट करके कि भी कि जीरो पे इसके इक्वल आ रही नहीं आ रही। तो हमने देख लिया कि जीरो पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, इसीलिए फंक्शन जीरो पर डिफ्रेंसीबल होगा। तो हम कह देंगे ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफ्रेंसीबल होगा, क्योंकि बाकी सारी जगह फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसके बाद चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस बेसिक सी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, और इसमें हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने से पहले आपको पहले पता ही है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन होता है वो कैसे बिहेव करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम निकालेंगे, तो अगर एक्स पे निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस एच करेंगे, मतलब एक्स से थोड़ी भी कम। तो जो ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर सपोज दैट एक्स इक्वल्स टू के पे निकाल रहे हैं हम, तो के से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि के लेफ्ट में है, तो के माइनस वन देगा वो। तो सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू के के लिए के माइनस वन हो जाएगी, और एफ ऑफ साइन पाई एक्स, एक्स की जगह हम के रख देंगे, वो हम बाद में देखेंगे। आपको पता है राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले तो सिंपल हम के पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू एक्स टेंड्स टू के, सिंपल हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, के माइनस वन पाई माइनस के, पहले सिंपल एफ ऑफ के, फिर माइनस के माइनस वन, फिर माइनस एफ ऑफ के अपॉन एक्स माइनस के। तो पहले हमने k की x इक्वल्स टू के पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लिख लिया, फिर अब इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए पाई के, मतलब अगर k इंटीजर है तो साइन n पाई ज़ीरो होता है, फिर ये एक्सप्रेशन हमारा फाइनली बचा। इसके लिए फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ये k को अगर हम ज़ीरो x इक्वल्स टू के पे निकाल रहे हैं तो k माइनस वन, फिर h की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो के माइनस वन पाई x की जगह k माइनस h अपॉन h, फिर इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लिया, k माइनस वन की जगह k माइनस वन आ गया, साइन पाई k माइनस एच है। तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है कि माइनस वन की टू दी पावर k इंटू साइन पाई एच, ये जो k है ये इंटीजर की वजह से कुछ ऐसी वैल्यू देगा जो माइनस वन की पावर k माइनस वन है। ये अगर आप फिलहाल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस टर्म को तो आप स्किप कर सकते हैं, आप अभी रिमेम्बर कर सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ आती है। लेकिन अभी आप सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देख सकते हैं k की, और आप देखेंगे कि k माइनस वन के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। तो ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं। तो k माइनस वन, माइनस वन की पावर k माइनस वन साइन एच पाई अपॉन माइनस एच, तो माइनस को बाहर ले लिया, माइनस पाई इधर आ गया, k माइनस वन, माइनस वन की पावर k इंटू पाई। ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपकी यूज़ ऑफ माइंड हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में तो नहीं किए जाते हैं ज़्यादा, लेकिन वही फिर चीज़ है कि आपको जब तक एक नेक्स्ट लेवल से अच्छे लेवल की प्रॉब्लम नहीं कराएंगे तब तक आपको एनडीए की लेवल किस कैसे अच्छी लगेंगी। तो ये एक उस तरह की एक प्रॉब्लम थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स टू एक्स माइनस एक्स इज डिफरेंशिएबल। वह बहुत ईजी प्रॉब्लम है, सिंपली आप देख के ही बता दोगे कि जहाँ ये वाला चीज़ जीरो होगी वहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स साइन एक्स तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये वाली चीज़ कहाँ जीरो होगी, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, तो आर माइनस वन बाई टू आंसर वी है। इसको ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम करने लग जाएँ तो फिर वही एच 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 और ये सारी चीज़ें आप खुद उस चीज़ को करके देख सकते हो। लेक्चर नोट्स में सारी ये नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख। तो इस तरह से हमने देखी, ये सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी। अब ये हमारा इंडेक्स लेक्चर है, अगर आपको और इसके बाद थ्री तक हमने कर लिया है मस्ट डू प्रॉब्लम, इसके बाद एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर क्लिक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ठीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सेम पैटर्न है कि आप पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, इसके बाद अगर आप पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तभी आप सॉल्यूशन को प्रीफर करें। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए फिर अनलिमिटेड प्रैक्टिस दी हुई है इसमें, हर बार की तरह आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर जो भी वीडियो है, जो भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन है तो थ्री पे नहीं होगा ये, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये वाला लेक्चर है, ये आपको पूरा इस हम चाहते हैं कि आपको पूरा सीक्वेंस में पहले रिवीजन नोट्स करें, फिर ट्रिक्स करें, फिर मस्ट डू प्रॉब्लम करें, फिर एनडीए, फिर लास्ट में प्रैक्टिस करें। तो ये लेक्चर फिलहाल यहीं एंड करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।